सडनली बारिश होने लगी और पानी बढ़ने लगा, और रात 9 बजे तक हम लोग कैसे बस कॉल आने लगे कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रोहटा का जो ब्रिज है वो सबमर्ज हो गया है, कम्युनिकेशन कट रहा है, अनगढ़ थाने में पानी घुस गया है, वायरलेस कम्युनिकेशन भी ऑफ हो गया है। तो रात में हम लोग तुरंत रश कर गए, और जो हम लोग को ट्रैवलिंग टाइम लगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे हमारे बाद रोहटा, तो हम लोग की गाड़ियाँ नहीं चल पाई वहाँ पर, 1 फीट से 2 फीट पानी काफ़ी तेज़ करंट में आने लगा था। उसी समय हम लोगों ने बाकी ऊपर के वरीय अधिकारियों को सूचित किया कि फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है और हमारी टीम्स अंदर हैं, लेकिन पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो स्पीड थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी विकराल होगी, और सुबह सुबह तक उसी सड़क पर 7 से 8 फीट तक पानी आ गया था, और हमारा पूरा जो बायसी अनुमंडल है, जो बायसी थाना है, अमौर है, रोहटा है, अंदर है, सब डूब गया, और DSP SDU के भी जो बिल्डिंग्स थे वो भी 7 से 8 फीट तक पानी आ गया। उन लोग सबको इवैक्यूएट होकर के NH पे शरण लेनी पड़ी, और पुलिस टीम्स के साथ SDO भी एक पेट्रोल पंप से अपना कार्यालय चला रहे थे।